हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। सो चलिए गाइस, एमाइंस में आगे चलते हैं। हम लोग एमाइंस में बेसिक करेक्टर के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट टाइम पे हमने अमोनिया और एल्काइल अमाइन इनका कंपैरिजन कर लिया था और हमने ये जाना था कि एल्काइल अमाइन ज़्यादा बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे एमाइंस का आपस में, यानी कि 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन में ज़्यादा बेसिक कौन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पे से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको चेक करिएगा। तो यहां पर हम लोग कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमाइंस में। अब हम लोग यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। अब मैं आपको पहले तो क्लियर कर देता हूं, इनका जो बेसिक ऑर्डर है वो फेज पे भी डिपेंड करता है। मतलब यहां पर हम लोग बात करेंगे इनके बेसिसिटी का किन में, यहां पर मैं लिख देता हूं, जरा ध्यान से उसको चेक करेगा, गैस फेज में, ठीक है, गैस फेज में हम लोग ऑर्डर चेक करेंगे और यहां पर एक्वस फेज में यानी कि लिक्विड फेज में भी चेक करेंगे। ध्यान से इसको चेक करेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस फेज में इनके बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है और सॉल्यूशन यानी कि एक्वस फेज में इनके बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, दोनों डिफर करेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटली दोनों अलग हैं। अब उनके लॉजिक्स, उनके रीजंस हम लोगों को समझने हैं, बहुत ध्यान से चेक करेगा, ठीक है। सो देखिए, यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन के बेसिक नेचर को हमको समझना है और एक्चुअल में यहां पर 3 थ्योरीज है जो उनके बेसिक नेचर को यानी कि बेसिसिटी को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। वो 3 कौन सी है, सबसे पहली, नाउ नंबर 1 मैं यहां पर लिखता हूं, नंबर ए, ठीक है, 1 तो ऊपर लिख दिया, तो ए पहला फैक्टर जो कि इसकी बेसिसिटी को अफेक्ट करता है उसको चेक करना है, नंबर ए इज प्लस आई इफेक्ट। ध्यान से उसको समझिएगा, प्लस आई इफेक्ट, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ये सारे के सारे समझ लिए फिर उसके बाद मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा। तो ये तीनों फैक्टर हमें समझने की जरूरत है। सो सबसे पहले तो प्लस आई इफेक्ट, बहुत सिंपल है। अगर यहां पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हुआ, ठीक है, इसका मतलब एमाइन का, ये तो हम लास्ट टाइम पे भी देख चुके हैं, एमाइन का जो बेसिक नेचर होगा, ठीक है, एमाइन का बेसिसिटी होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। अब ये कैसे, देखिए बेसिक कंपाउंड वो होते हैं जो आसानी से क्या करें, बेसिकली क्या करें, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दें। अब देखिए अगर प्लस आई इफेक्ट हुआ तो वो आसानी से डोनेट कर पाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस आई से उनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन पे। ज़रा चेक करिए, अगर प्लस आई इफेक्ट देखें तो हम लोग यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन चेक करिएगा, ये 1 डिग्री अमाइन है, यहाँ पर प्लस आई वाला सिर्फ एक ही ग्रुप है, क्लियर हो गया। अब हम 2 डिग्री अमाइन को देखते हैं, यहां पर प्लस आई वाले दो दो ग्रुप हैं, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले दो दो हैं, क्लियर हो गया सब लोगों को। और 3 डिग्री अमाइन की बात करते हैं, मैं 3 डिग्री अमाइन भी लिखता हूं, 3 डिग्री अमाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले 3 3 हैं, क्लियर हो गया। अब आप खुद से सोचो, यहां पर 3 3 लोग हैं जो कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं ताकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी बढ़ जाए कि वो आसानी से डोनेट कर सके। यहां पर कितने लोग हैं, सिर्फ 2 ही, और यहां पर कितने हैं, 1। इसका मतलब अगर मैं यहां पर प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से पूछूं कि यहां पर बेसिक ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो आप साफ बोलोगे कि 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री एंड देन फिर 1 डिग्री, बोलोगे कि नहीं। अगर प्लस आई इफेक्ट को देखा जाए, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा बेसिसिटी वैसे वैसे बढ़ेगी एमाइंस की, उस केस में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होना चाहिए बेसिक नेचर, क्यों, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 3 ग्रुप यहां पर प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, यहां तो 2 ही है और यहां पर 1 ही है। उस वे से अगर देखें तो ये बनेगा, तो इसको मैं स्टार लगा देता हूं। पहला लॉजिक या पहला थ्योरी जो इस्तेमाल किया जाता है बेसिसिटी को निकालने के लिए वो है प्लस आई इफेक्ट। अब दूसरा कौन सा, उसको चेक करते हैं, ध्यान से उसको चेक करेगा, मैं यहीं पे लिखता हूं। सेकंड थ्योरी कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, मैं यहां पर लिखता हूं थ्योरी नंबर बी, ऊपर लिख रहा हूं, एंड दैट इज, बहुत ध्यान से उसको चेक करेगा, दैट इज सॉल्वेशन, सॉल्वेशन, सेकंड थ्योरी सॉल्वेशन, जो पूरी सोच को ही बदल देगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से इसको देखेगा, ये सेकंड थ्योरी सॉल्वेशन, अब जैसे कि यहां पर नाम से पता लग रहा है सॉल्वेशन तो सॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसका मतलब ये दूसरी थ्योरी आप किसमें अप्लाई करते हो, ये आप एक्वस फेज में या फिर एक्वस मीडियम में अप्लाई करते हो। तो उस पे जाने से पहले मैं इधर ही एक बार एक छोटी सी चीज और बताता हूं, यहां पर प्लस आई इफेक्ट, ध्यान से इसको देखिएगा, ये जो थ्योरी है ये आप किस पे लगा सकते हो, गैस फेज पे भी लगा सकते हो, सबको समझ में आता है, क्लियर करता हूं, और लिक्विड फेज पे भी, ठीक है, या फिर एक्वस फेज पे भी लगा सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ए प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। और यहां पर एक नोट लगा के लिख लो, अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है नोट लगा के लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, नोट लगाइए, अगर कोई पूछे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री गैस फेज, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री गैस फेज, इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए। सब लोग लिखेंगे अभी बेसिसिटी ऑर्डर बताइए, तो आप सीधे प्लस आई इफेक्ट वाला लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते हो, कोई इफ बट नहीं है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। गैस फेज का मतलब आप समझते हैं, गैसेस फेज में, यानी कि उसमें पानी नहीं है। गैसेस फेज तो समझ गए होंगे क्या होता है। सो गैसेस फेज में अगर आपके पास एमाइन है, क्लियर है, सो उस केस में बेसिसिटी का ऑर्डर बहुत क्लियर है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, सबको समझ में आता है। तो यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। लेकिन जब लिक्विड फेज की बात आ जाती है, यानी कि जब एक्वस फेज की बात आ जाती है, तो दो थ्योरी यहां पर और है जिसको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, एक तो सॉल्वेशन। अब ये क्या है उस पर चलते हैं, ध्यान से उसको चेक करिएगा। सॉल्वेशन यानी कि एक्वस फेज के लिए ये थ्योरी अप्लाई हो सकती है, गैस फेज के लिए नहीं। तो गैस फेज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सामने है। अब ये सॉल्वेशन का सेंस क्या है, सॉल्वेशन का मतलब समझिए। अगर कोई एमाइन, मैं यहां पर लिखता हूं, सपोज करें कि अगर कोई एमाइन जिसको आप पानी में घोलते हो, तो पानी में सबको पता है H+ होता है, तो ये क्या करेगा, इसका नेचर तो बेसिक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली यहां पर RNH3+, ये यहां पर कैटायन को फॉर्म करेगा। अब ये कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब इसको उतनी आसानी हुई है यहां पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अगर ये स्टेबल है, इसका मतलब ये अच्छा बेस है, इस चीज को समझिए। और अगर ये स्टेबल नहीं होता तो पीछे की तरफ आ जाता। दिमाग लगाइए, ये स्टेबल है, इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये स्टेबल नहीं है तो पीछे आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए बड़े ध्यान से, अब सॉल्वेशन का सेंस क्या है, ये आपका कैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ज्यादा बेसिक नेचर अच्छा होगा उस एमाइन का। अब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कौन, इस चीज को समझिए। अब है एक्वस सॉल्यूशन, तो उस केस में यहां पर मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को बनाता हूं, जरा चेक करेगा। सबसे पहले तो अपन बनाते हैं 1 डिग्री को। 1 डिग्री में यहां पर R है, उसके बाद यहां पर H है, यहां पर H है और यहां पर H है। नाउ दिस इज 1 डिग्री, क्लियर होता है, 1 डिग्री एमाइन है। इसके बाद अपन बनाते हैं 2 डिग्री को, जरा चेक करेगा, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर R, यहां पर R, यहां पर H और यहां पर H। मैं यहां पर लिखता हूं क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो प्लस का साइन भी आएगा, इधर भी आएगा। नाउ दिस इज 2 डिग्री, ध्यान से इसको चेक करेगा। इसी तरह से यहां पर नाइट्रोजन, अब 3 डिग्री बनाते हैं, R, R, R और यहां पर H। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने जैसी एमाइन को पानी में डाला, एमाइंस वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ये बहुत क्लियर है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है। अब ये वाटर सॉल्यूबल है तो तुरंत H+ को अपने साथ ले लेंगे, उसके बाद ये कैटायन फॉर्म करेंगे। 1 डिग्री कैटायन है, ये 2 डिग्री और ये क्या है, ये 3 डिग्री कैटायन है। अब मैंने आपसे कहा कि जितना ज्यादा ये कैटायन स्टेबल होगा, उतना ही एमाइन अच्छा बेस है, और अगर वो स्टेबल नहीं हुआ तो फिर पीछे की तरफ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमको चेक करना है कि इसमें से ज्यादा स्टेबल कैटायन कौन है, जिसकी एनर्जी सबसे कम वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये आपको थर्मोडायनेमिकली मालूम होना चाहिए कि कोई चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होती है जितनी एनर्जी उसकी कम होती है। जैसे कि अगर मैं यहां पर बोलूं, जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा, ये यहां पर है तो क्या ये स्टेबल है, नहीं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं इसे छोड़ दूं, क्योंकि स्टेबिलिटी तब होती है जब मैं इसे छोड़ देते यहीं रह जाता, लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ूंगा जमीन पर जाके स्टेबल होगा, और जमीन पे जाके स्टेबल होगा इसका मतलब इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम कर ली, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। हमेशा याद रखो, किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब यहां पर जरा चेक करो, यहां पर स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, यहां पर स्टेबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जितने पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ आके जुड़ जाएंगे। अब जरा चेक करो, यहां पर कितने पानी के मॉलिक्यूल आके जुड़ सकते हैं, 3, क्योंकि यहां पर 3 बार हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं वाटर के साथ, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ आके जुड़ गए। वो जुड़े क्यों होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और जब भी दो चीजें पास आती हैं, एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब यहां पर 3 बार एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब ये स्टेबल है, क्योंकि 3 बार एनर्जी रिलीज होके एनर्जी डाउन हो चुकी है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। इधर आ जाओ, इधर कितने लोग घेरेंगे इसको, यहां पर तो 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल घेर पाएंगे, चेक करो, क्योंकि यहां 2 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हो, यहां पर तो 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल घेर पाए, इसका मतलब इसकी एनर्जी
इससे तो ज्यादा है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी इससे तो कम है। उधर कितने होंगे, उधर तो सिर्फ एक ही वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, इस चीज को चेक करिए। तो यहां पर तीन तीन वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, यहां पर दो ही वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और यहां पर एक ही वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ रहा है। इसका मतलब बड़ा साफ है, तीन वाटर के मॉलिक्यूल इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं क्योंकि एनर्जी कम कर रहे हैं। तो इस केस में अगर कोई देखे कि इस केस में आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल एमाइन कौन है या फिर सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आता है, वन डिग्री की सबसे ज्यादा, उसके बाद टू डिग्री एंड देन थ्री डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए ऑर्डर जस्ट उसका उल्टा आता है। अगर आप बुक में पढ़ने जाओगे ना, कुछ समझ में नहीं आता, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं उसको फोकस करो। और आप हमेशा याद रखो, एनर्जी अगर कम हो चुकी है इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। क्लियर होता है, सिंपल सिंपल लॉजिक है ये। और यहां पर इस कैटायन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर लॉजिक क्या लगाया जा रहा है, स्टेबिलिटी ठीक है ज्यादा, इसका मतलब बेसिसिटी ज्यादा। क्लियर होता है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब आसानी से ये काम करके आगे जा सकता है क्योंकि स्टेबल है तो यही रहेगा, अदरवाइज वो पीछे चला जाएगा। तो देखो मजे की बात, अगर आप प्लस आई इफेक्ट लगाते हो तो थ्री डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, और अगर आप सॉल्वेशन इफेक्ट लगाते हो तो इस केस में तो वन डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ये दोनों थ्योरी एक्वस मीडियम में काम करेगी, गैस फेज में तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। अब तीसरी थ्योरी बहुत ही सिंपल है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, अब उसके बाद हम लोग तीसरी थ्योरी को देखते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। टिल देन बड़े अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, चलिए आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस अब हम आगे चलते हैं। दो थ्योरियां हमने पढ़ ली जो कि एक्वस मीडियम में एमाइन की बेसिसिटी को अफेक्ट करती है, वो दोनों थ्योरी के बाद अब तीसरी थ्योरी मैं बता रहा हूं जो कि बेसिसिटी को अफेक्ट कर सकती है। और तीनों थ्योरी समझने के बाद हम लोग एक्वस मीडियम में एमाइन्स स्पेशली एल्काइल्स एमाइन की बेसिसिटी के ऑर्डर को देखने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले तो जो दोनों थ्योरी आपने देखी है उसके अकॉर्डिंग नंबर वन जो थ्योरी थी दैट इज प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और अगर प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से देखें तो यहां पर ऑर्डर क्या बन रहा है, प्लस आई सबसे ज्यादा होता है थ्री डिग्री के अंदर। क्लियर होता है, प्लस आई जितना ज्यादा होगा बेसिक नेचर उतनी ज्यादा होगी, तो थ्री डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर टू डिग्री में एंड देन वन डिग्री में, यानी कि थ्री डिग्री एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट वाला थ्योरी। दूसरा थ्योरी जो हमने समझा वो दूसरा थ्योरी था सॉल्वेशन थ्योरी, कौन सा था, सॉल्वेशन थ्योरी, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर सॉल्वेशन थ्योरी को देखें तो इसके अकॉर्डिंग वन डिग्री वाला एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए क्योंकि वन डिग्री वाला जो कैटायन है सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसको वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सबसे ज्यादा घेरा, वहां पर सॉल्वेशन सबसे ज्यादा होगा। इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर आ रहा है, सॉल्वेशन का थ्योरी लगाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करिएगा। प्लस आई देखें तो थ्री डिग्री टू डिग्री वन डिग्री, लेकिन सॉल्वेशन देखें तो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री बैठ रहा है क्योंकि यहां पर जो कैटायन बनेगा उसमें वन डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल उसको ज्यादा घेर रहे थे, एनर्जी उसकी सबसे कम बनेगी। अब तीसरी थ्योरी पर आओ, थर्ड थ्योरी है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो मैं लिखता हूं स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। सो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब, जानते हो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, क्राउडिनेस। कई लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या शब्द है, क्राउडिनेस, भीड़। अब जरा सोचिए कि खाली मैदान है और वहां पर कोई चीज पड़ी है तो आप दौड़ के उसको फटाफट से ले सकते हो, लेकिन अगर वही ग्राउंड पूरी क्राउड से भरा हो और बीचों बीच कोई चीज पड़ी हो तो आपको तकलीफ होगी, क्राउडिनेस की वजह से तकलीफ होगी। क्लियर होता है, आप सीधे नहीं पहुंच पाओगे, तो घूम घाम के पहुंचना पड़ेगा, जहां से रास्ता मिलेगा भीड़ को चीरना पड़ेगा तब पहुंचोगे। यानी कि क्राउडिनेस इलेक्ट्रॉन को गेन करने में तकलीफ दे सकता है, आया समझ में। अब इसको समझिए जरा इस एग्जांपल से। अब देखिए यहां पर ये रहा वन डिग्री वाला नाइट्रोजन, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके आजू बाजू कौन है, क्योंकि वन डिग्री है तो छोटे छोटे दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसके पास क्राउडिनेस कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच किया जा सकता है क्योंकि छोटे छोटे एटम है हाइड्रोजन के, वो ज्यादा क्राउडिनेस दिखाते नहीं, सिर्फ एक यही है जो क्राउडिनेस दिखा रहा है। तो मैं क्लियर कर देता हूं, ये है क्राउडिनेस, भीड़। और अगर हम टू डिग्री की बात करें तो टू डिग्री में एक छोटा सा हाइड्रोजन एटम है लेकिन उसको घेर के दो दो लोग बैठे हैं, ये क्राउडिनेस शो कर रहे हैं और ये हैं इलेक्ट्रॉन जिनको अप्रोच करना है। इस चीज को समझिए, यहां पर क्राउडिनेस के लिए दो दो रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर थ्री डिग्री की बात करें तो जरा चेक करो,
3 डिग्री में क्राउडीनेस सबसे ज्यादा होगी। मैं इस तरफ बना देता हूं, अगर 3 डिग्री की बात करो तो 3 डिग्री के इलेक्ट्रॉन बहुत ही लीस्ट अप्रोचेबल हैं क्योंकि वहां क्राउडीनेस बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, बस यही। अब ये वो मैदान है, ये चीज पड़ी है जिसको लेना है, और भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है यहां पर, यहां पर भीड़ थोड़ी कम है, यहां पर भीड़ बहुत ही कम है। इसका मतलब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से देखें, यानी इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करने के हिसाब से देखें, तब भी ऑर्डर यही बनता है, 1 डिग्री आसानी से देगा, फिर कौन 2 डिग्री, और फिर कौन 3 डिग्री। अब चेक करिए, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर सेम ही है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट वाला ऑर्डर जस्ट उल्टा है। अब ये अगर आप समझ गए तीनों थ्योरी, तो अब मैं आपको लास्ट चीज बताता हूं जिस पर से सवाल आते हैं, लेकिन गौर करिएगा, प्लस आई की तरफ से देखें तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और अगर सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस की देखें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब सवाल ये है कि दोनों थ्योरी तो हमने चेक कर ली, लेकिन सच्चाई क्या है? तो सच्चाई में ये दोनों, इनफैक्ट ये तीनों थ्योरीज काउंट करके फाइनल डिसीजन डिपेंड करता है कि आपने आर की जगह क्या लिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखिए यहां पर ए बनाता हूं ऑप्शन में, अगर आपने आर की जगह लिया C2H5 इथाइल, चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस में कंपैरिजन हो रहा है बेसिसिटी का, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो उस केस में एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है। व्हाट आई एम सेइंग इज एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा है तो उसको अप्रोच करने के लिए थ्योरी कौन सी होगी, इनमें से कोई भी लगा लो जो आपको दिमाग में सेट बैठे। तो उस केस में एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि C2H5, ठीक है, अब देखिए याद करने का सिंपल तरीका भी बताऊंगा, दो, यानी कि 2 डिग्री एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, चेक करिएगा, ये 2 डिग्री एमाइन इन द केस ऑफ C2H5, आर की जगह C2H5 लगाया है तो 2 डिग्री एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। उसके बाद नंबर किसका आता है, C2H5, और उसके बाद नंबर आता है 3 डिग्री एमाइन का, जो उससे कम बेसिक होता है, और सबसे लास्ट में किसका नंबर आएगा, 1 डिग्री एमाइन का, क्लियर होता है, जो बेसिकली लीस्ट बेसिक होता है इन द केस ऑफ अगर आर C2H5 है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम उठा के देखिए एमाइन से क्वेश्चन आया है तो इस पे क्वेश्चन आएगा। अगर आपने कंपैरिजन यहां पर इथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन का कंपैरिजन करना चाहते हो बेसिसिटी में, तो उस केस में 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर आता है 3 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री। ये कब है, जब आप आर की जगह इथाइल ग्रुप ले रहे हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट है, करो बी ऑप्शन। बट अगर आपने यहां पर आर की जगह CH3 ले लिया, यानी कि मिथाइल ग्रुप ले लिया, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि यहां पर अगर आपने CH3 होल ट्वाइस NH लिया, अब ये क्या है 2 डिग्री, क्लियर होता है, मिथाइल ग्रुप वाला वो सबसे ज्यादा होगा, तो ये तो कॉमन ही है, यहां भी 2 डिग्री वाला है, यहां भी 2 डिग्री वाला, लेकिन आगे वाले चेंज हो जाएंगे। उसके बाद यहां पर देखिए CH3 NH2, यानी कि 1 डिग्री वाले का नंबर आएगा, और सबसे लास्ट में किसका नंबर आएगा, CH3 whole thrice N, 3 डिग्री वाला सबसे एंड में गया है। तो यहां पर ऑर्डर क्या बनेगा, यहां पर अगेन 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और यह सवाल ना जाने कितनी बार पूछा गया है। और फाइनली आप खुद से सोचो, दोनों जगह 2 डिग्री वाला क्यों जीता, बड़ी कॉमन सी बात है, 2 डिग्री वाला तो इस केस में भी सेकंड नंबर पर ही है, और इन केसेस में भी सेकंड नंबर पर ही है, इसलिए दोनों जगह तो 2 डिग्री वाला जीत गया। अपनी अकल लगाओ थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली आया तो कैसे आया होगा। यहां पर देखो क्या 2 डिग्री की जगह बदली, नहीं, ये अभी बीच में, यहां पर भी बीच में, यहां पर भी बीच में, कोई थ्योरी उठा लो, इसका मतलब यहां पर 2 डिग्री के चांसेस सबसे प्रायर पे थे। और अब अगर ए में 3 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब यहां पर सीन क्या हुआ, इसका मतलब हमने प्लस आई इफेक्ट को काउंट किया है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है। और अगर बी में 1 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब आपने किस चीज को काउंट किया, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो उसको काउंट किया, सॉल्वेशन ज्यादा हो उसको काउंट किया है, आता है समझ में, तो इस केस में 1 डिग्री जीत गया। तो मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, देखो अगर बड़ा ग्रुप तो बड़े वाले को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है, 2 डिग्री के बाद बड़े वाले को इंपॉर्टेंस दे दी, और अगर छोटा ग्रुप है तो 2 डिग्री के बाद छोटे वाले को इंपॉर्टेंस दे दी, खत्म, आता है समझ में। दोबारा सुनो, शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर बड़ा ग्रुप है तो 2 डिग्री के बाद बड़े वाले को इंपॉर्टेंस दे दो, और अगर छोटा ग्रुप है तो 2 डिग्री के बाद छोटे वाले को इंपॉर्टेंस दे दो, यहां से आपका बेसिक वाला ऑर्डर बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। सो फिर से समझ लो, शॉर्ट में इसको रिवाइज करवा देता हूं,
किसी भी एल्काइल एमाइन के बेसिसिटी का कंपैरिजन अगर आपको करना हो तो तीन थ्योरी काउंट करनी है, प्लसा इफेक्ट, सॉल्वेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। प्लसा इफेक्ट के हिसाब से देखें तो 3, 2, 1, लेकिन एक्वस में है ये सारे आंसर, याद रखना, गैसेस फेज में नहीं है, सारे आंसर एक्वस में है। प्लस आई के हिसाब से 3, 2, 1, सॉल्वेशन और स्टेरिक के हिसाब से 1, 2, 3 होना चाहिए, लेकिन अब फाइनली वो डिपेंड करता है कि आपने आर क्या लिया है। अगर आर में इथाइल यानी कि बड़ा ग्रुप लिया है तो आएगा 2, 3, 1, छोटा ग्रुप लिया है तो 2, 1, 3, क्लियर होता है। 2 के बाद बड़ा है तो बड़े वाला आएगा, छोटा है तो छोटे वाले को इंपॉर्टेंस देनी है। सिंपल ट्रिक, यहां पर आपका ये सवाल हो चुका है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इससे बेहतरीन तरीके से आपको कहीं समझने को नहीं मिलेगा। मैं आपसे फिर से कहता हूं, जिस जिस को प्रायरली ये समझ में आ गया है, प्रायरिटी के हिसाब से आप लोग प्लीज लिखिए कि यहां पर कमेंट सेक्शन में, सर हमें समझ में आ गया, क्योंकि आपका ये कमेंट हमें बहुत हिम्मत देता है। और जिसको समझ में नहीं आया, मैं फिर से कहता हूं, एक बार ये वीडियो दोबारा देखो, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। याद रखो, निकाल क्या रहे हो, बेसिक नेचर निकाल रहे हो, जिसमें बेस वो अच्छा होता है जहां पर जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, समझ में आता है, उसके हिसाब से आप चेक करो, थ्योरी आपके सामने है, दिमाग लगाओ, अपने आप आंसर आएगा, क्लियर होता है। सो यहां पर फाइनली गाइस हमने बेसिक नेचर को भी कंप्लीट कर लिया है। बेसिक नेचर एक छोटा सा बचा हुआ है एराइल अमाइन के केस में, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, फिर रियल केमिकल रिएक्शंस आपके सामने होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं। सो चलिए गाइस, अब अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।